हटा लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ओए तेरी, आपने हिट देखी कितनी ज़ोर से मारी इसे कि मोबाइल पूरा हिल गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ करूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सभी दोस्तों को हिफाजत में रखे। तो दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो यानी कि अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कन्योर की एक फ़ीमेल है, ठीक है, और उसके साथ दो मेल क्रॉस कर रहे थे, ठीक है, 1-to-1, ठीक है। तो यहाँ पर वजात करता चलता हूँ। यहाँ पर जो आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है, ये हमारा ब्रीडर पेयर है, ठीक है, जिसकी फ़ीमेल अंदर है और मेल ये रहा। और जो पीछे आपको नज़र आ रहा है ये इसी का बेबी है, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर तकरीबन 2 eggs ले किए थे, जिनमें से 3 अंडे ले किए थे कालबन, मुझे याद है। एक अंडा खाली था, ठीक है, जो टकराने के बाइस, और सेकंड में बेबी ग्रोथ होते होते मर गया था, और तीसरे में से एक ही बेबी निकला था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उस वक्त पेशगोई के हिसाब से मेल बेबी लग रहा था। तो ये 100% मेल है, ठीक है, और ये अभी अपने फादर के साथ यानी कि अपनी फीमेल को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। अलबत्ता इनके अंदर जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं तो इनका रिश्ता तो वगैरह कोई कायम नहीं रहता मुझे जहाँ तक है। तो बहरहाल बताने वाली बात ये थी, आज जो तारीख है वो है 18 फरवरी 2022, ठीक है। तो लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिन से क्रॉस होने के बाद, ठीक है, फीमेल ने एक लेइंग करना शुरू कर दिए। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आया अब तक कितने अंडे लेकर दिए, क्योंकि तकरीबन गालबन एक दिन पहले तक जब मैंने झांका था यानी कि होल से, तो एक ही अंडा ले किया था। तो देखते हैं कि आया 1 day के गैप से ही एक ले कर रहे। और हाँ, यहाँ बताता चलूँ कि जहाँ तक मेरी दोस्तों से बातचीत हुई है, उनका कहना ये होता है कि तकरीबन कन्योर जो है ग्रीन चिक कन्योर या कन्योर की जो मेडिशन है वो तकरीबन 16-18 months या फिर 2 years के बाद यानी कि अडल्ट होते हैं, मैच्योर यानी कि ब्रीड लेने के काबिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर तकरीबन ये 7 और तकरीबन 8 months के हो जाने पर ही मैंने देखा कि ये अपने ही फादर को यानी कि क्रॉस पर ले जा रहा था, जबकि इसको क्रॉस करने की इतनी नीड तो नहीं थी और ना ही इसको आना था। लेकिन देखा देखी मैं कई बार ये मेल से क्रॉस हो रहा होता तो मैं केज को यानी कि फड़फड़ाता हिलाता तो ये छोड़ देता, यानी कि मल्टीपल टाइम यानी कि काफ़ी दिन यानी कि वक्त लगाया, बिल आखिर इसने फीमेल को क्रॉस किया। उसके बाद लास्ट वीडियो जो रिकॉर्ड की थी उसमें बहुत यानी कि क्रॉस होते हुए देखे गए थे। तो चले मैं दिखाता हूँ आपको किससे पहले कि ये भी अंदर चला जाए। तो चले दोस्तों, तो लीजिए दोस्तों मैं आपको दिखाने लगा हूँ और ख़ुद भी देखने लगा हूँ कि आया अब तक फीमेल ने कितने अंडे लेकर दिए। फीमेल थोड़ी सी अग्रेसिव मोड हो जाती है जब इसकी हांडी के करीब ही हांडी में झांका जाए, वैसे नॉर्मल है। तो चलें कोशिश करते हैं कि एक नज़र देखें और फिर इसको हटा लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ओए तेरी, आपने हिट देखी कितनी ज़ोर से मारी इसे कि मोबाइल पूरा हिल गया। तो यहाँ पर इसने अब तक माशाल्लाह से पहला अंडा लेकर दिया है। तो देखते हैं कि आया ये अब मज़ीद कितने अंडे ले करेगी, और तकरीबन 3 से 4 दिन गुजर जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा या मैं ख़ुद चेक करूंगा कि आया ये अंडा फर्टाइल है या अनफर्टाइल है, क्योंकि इसमें अपना दोनों ही मेल क्रॉस करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन सक्सेसफुल कौन हुआ तो आया देखेंगे, या तो हमारा जो डिसेबल जो मेल है, क्योंकि जिसको पैरालाइसिस हो गया था, कि आया वो ठीक तरीके से काम कर रहा है या हमें उस मेल को हटाना चाहिए या हमें बेबी मेल को हटाना चाहिए। तो इंशाल्लाह फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह निगहबान, वेल डन।